वहीं पौड़ी वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में वन अग्नि के दुष्परिणाम और इससे बचाव की जानकारी को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू किया है। गढ़वाल डीएफओ अनिरुद्ध स्वप्निल ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत वन विभाग द्वारा गांव में जाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से वन अग्नि के दुष्परिणामों के बारे में समझाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को वन अग्नि से बचाव के उपायों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। अधिकतर जो वन अग्नि की घटनाएं हैं वो मानव जनित हैं और किसी शरारती तत्व द्वारा या फिर अनजान में आग लगाने की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तो वन विभाग का यही अप्रोच रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने हर रेंज स्तर पे जो है एक टीम गठित करी है, जिसमें हम लोग गाँव में जाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है वनों में अग्नि ना जलाएं और उसके क्या नुकसान हैं। इस वजह से हम लोगों ने कई सारी टीम्स गठित करी है। सर सबसे यही अनुरोध है कि जंगल जो है ये सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, सभी का इसमें सहयोग होना चाहिए। और अगर हम लोग आग लगाते हैं तो इसके कई सारे दुष्परिणाम हैं, जैसे वायु प्रदूषण होता है, हमारे वन्य जीव को नुकसान हो जाता है, वन्य जीव जो है ह्यूमन हैबिटेशंस रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाते हैं, जिससे और भी नुकसान हो जाता है। तो कृपया जो है आप जंगलों में आग ना लगाएं, और अगर आपको किसी की सूचना मिलती है कोई शरारती तत्व जो है आज जंगल में आग लगाते हैं, तो तुरंत जो है वन विभाग को आप जो है इसकी सूचना दें, उनके खिलाफ जो है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई।